और उसके लिए जो प्रस्तावित टाइम दिया गया है, जो समय है, वो लगभग 10 से 12 के बीच में ही रहेगा। अब देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि भाजपा कांग्रेस के गढ़ में भाजपा ने जो प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह को चुना है, वो कभी ना कभी वो कांग्रेस के भी सिपाही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अब की बार का जो लोकसभा चुनाव होगा वो एक तरफा नहीं रहने वाला है, दोनों तरफ से टक्कर बराबरी की देखने को मिलेगी। जी, जाना ये भी चाहेंगे आपसे, जिस तरह से सीएम योगी कांग्रेस के गढ़ में जा रहे हैं, सोनिया गांधी की वो जो सीट है काफी वक्त से रही है, ऐसे में कितनी बड़े पैमाने पर तैयारियां जो हैं वो इस जनसभा को सफल बनाने के लिए भाजपा की तरफ से की जा रही हैं? जी बिल्कुल, भाजपा के प्रत्याशियों का और भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने मिलकर इस तैयारियों को संभव कराया और यहाँ पे पुलिस पूरी तरह पुलिस प्रशासन पुख्ता हो गई है, क्योंकि चुनाव को लेकर कोई भी हो दौरे लगातार लगे हुए हैं, पर योगी आदित्यनाथ का आना, क्योंकि वो सूबे के मुखिया है, तो कहीं ना कहीं इसकी प्रायोरिटी उन्हें जरूर दी जा रही है सुरक्षा को लेकर। जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिल आपका। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज रायबरेली में वो रहेंगे, चुनाव आयोग ने पीएम मोदी को तीसरी बार क्लीन चिट दी है। राजस्थान के बाड़मेर में परमाणु बम को लेकर पाकिस्तान को दिए संदेश पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी। आयोग को इसमें आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं नजर आया था। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनाव आयोग ने एक बार फिर से नोटिस जारी किया है। इस बार उन्हें बाबर की औलाद कहने पर यह नोटिस जारी किया गया है। 19 अप्रैल को संभल में चुनावी रैली के दौरान योगी ने भाषण देते हुए बाबर की औलाद की टिप्पणी की थी। चुनाव आयोग ने योगी को भेजे नोटिस में कहा कि किसी भी प्रत्याशी या प्रचारक को किसी के व्यक्तिगत जीवन या उसकी पहचान पर टिप्पणी करना ये सरासर आचार संहिता का उल्लंघन है।